अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इट्स मी रेडिश नक्सा, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों को हुलिया देख के अंदाजा हो रहा होगा कि ऐसा क्या होने लगा इस वीडियो में, ऐसा मतलब इस तरह की ये अम्मा मासी लुक जो है वो क्यों बना के आई है। आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने अपना जो है ये ट्रैगस और हेलिक्स ये दो यहाँ से कान करूंगी और यहाँ से मैंने खुद किया था। सिर्फ मेरा एक ये वाला बना हुआ है कान और ये वाला मैंने खुद किया था लास्ट ईयर। और फिर उसके बाद जो मैंने ये वाला करना था तो इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस और इतनी रिक्वेस्ट आई कि आप हमें बताएं कैसे करेंगी, हमें भी बहुत शौक है और हम लोग भी इसको करना चाहते हैं बट हिम्मत नहीं होती है, और आपको देखकर थोड़ी बहुत हिम्मत आ जाएगी, पता चल जाएगा कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाला जो है ना, एक तो ये मिलता है आप लोगों को, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये पिर्सिंग करने के लिए ये वाला मिलता है एक। और मैंने जो ये वाला किया था वो सिंपल हिजाब पिन से किया था, मेरी मामा नहीं मान रही थी कि नहीं करना है, तो बस मैंने शौक शौक में जाके ना फौरन से ऐसे करके कर लिया। तो अभी मैं आज आप लोगों को भी ये बताऊंगी, अभी मैं ये वाला करूंगी, फर्स्ट टाइम मैं ये वाला करूंगी। यहाँ पे मैंने सुना है पेन बहुत होती है, बट लेट्स सी क्या होता है। और ये वाला करूंगी, फिर उसके बाद मैं ये वाला करूंगी यहाँ से। इसलिए करते हैं, सबसे पहले अगर आपके पास नहीं है ये वाला तो सिंपल मैंने हिजाब पिन ली है, ठीक है। इसको पहले मैं डिटोल लूंगी, ये देखिए डिटोल लूंगी, इसके अंदर कॉटन को थोड़ा हल्का सा डिप करेंगे, उसके साथ साफ करेंगे ये वाला किया हल्का से, इसको कॉटन को पहले मैंने गीला किया हुआ है पानी के साथ, और इसके बाद इसको साफ करेंगे अच्छे से, ठीक है, ताकि हमारा जो है जर्म्स वगैरह खत्म हो जाए सारे के सारे। ठीक है जी, ओके हो गया। और यहां से भी मैं यहां से भी साफ करूंगी। अच्छा जी, ये मैंने निशान लगाया है यहाँ पे करके, ठीक है, जहां पे भी आपको चाहिए होगा। मैं मुझे यहाँ पे एक करना है तो मैंने ये कर लिया, ऐसे मैं रखूंगी पीछे, दिखाओ जरा सही आ रहा है, किसी को डर वगैरह लगे ना मुझे कुछ कहना ना, ठीक है, सॉरी, जिसको करना होगा कर ले। बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डल गया डल गया डल गया, वेट, ये देखिए ज्यादा, हाँ बस ज्यादा अंदर नहीं करो, हाँ ओके हो गया, हाँ दर्द तो नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, हाँ ठीक हुआ है, बिल्कुल हुआ है ठीक। इसको यहाँ से कट कर देंगे और मैं पीछे से सारा इसको खींच, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बस आपने कुछ भी नहीं है, आई ट्रस्ट मी, कोई दर्द नहीं हुई है, ठीक। इसके पास ये नहीं है जो मैंने आपको दिखाया था, आप इसके साथ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हम इसको काटने लगे, ये हमने कर दिया है कट, ये मैंने ना स्टील वाली ले ली है, स्टील की पिन, ये बहुत थोड़ा मुश्किल होता है इसको कट करना, खैर कोई बात नहीं जी। जनाब ये मैंने कर लिया है, और पीछे जो है ना मैंने इसका ये पहन लिया, कैप पहन लिया है, और बस अब मैं एक दो दिन वैसे रखूंगी, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं कोई भी गोल्ड का या सिल्वर का निकाल के, फिर मैं पहले ये वाला भी कर लूं, उसके बाद फिर मैंने जो रखा हुआ है ना, जो मैं लगाऊंगी, अक्सर लोग कहते हैं कि पक जाता है हमारे और जख्म बन जाता है, तो वो कैसे आपने क्योर करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगी लास्ट पे, अभी हम करेंगे इसके साथ, ठीक है। अगर आपके पास ये है तो आपने ये कैसे करना है खुद, वरना ये वाला बहुत इजी होता है, यहाँ पे कर दो, तो लेकिन मैं अब ये वाला करूंगी, ठीक है। ये पहले मैं अल्कोहल पैड निकालूंगी, उसके साथ ये ऑलरेडी डाला हुआ है टॉप्स इन्होंने, और नीचे जो है इसकी बाली भी है, बाली नहीं इसका कैप भी है, ठीक है। ये पहले हम साफ करेंगे, यहाँ से भी, पीछे से भी और आगे से भी, इसको पहले रखेंगे इस तरह करके सिंपल इसके निशान के ऊपर, मैंने यहां से पकड़ लिया, अब इसको मैं दबाऊंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, ठीक है, ये पीछे भी इन्होंने ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अंदर जो लगी होती है वो डल गई है, खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है,
ठीक है, आई एम सो हैप्पी। तो जनाब मैंने जो ज्यादा इर्द गिर्द जो ऑयल लग गया था वो मैंने साफ कर दिया है। बस आपने रोज क्या करना है, रोज आपने देसी घी के अंदर कोई भी मतलब कोई भी ऑयल ले लो, डालडा घी जो जैसा भी आप लोगों के घर घी है ना वो आपने लेना, उसके अंदर हल्दी डाल देनी है गरम गरम, गरम थोड़ा सा गरम करना, उसके अंदर हल्दी डालनी है, हल्दी डाल के रोज आपने इसके ऊपर लगा देना है, रात को लगा दो सुबह लगा दो और आपके एक हफ्ते के अंदर अंदर जख्म खत्म हो जाएगा। ये मेरी सिस्टर ने पहले करवाया था, उसको इसको एक दो महीने लगे थे क्योंकि ट्रैगस करवाने के लिए मतलब ये चीज करवाने के लिए इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है क्योर होने में, ठीक है। और बस आपने इतना करना है कि इसको रोज थोड़ा सा घुमा भी दिया करना है, शाम को भी घुमा दिया सुबह भी घुमा दिया इस तरह करके, ठीक है, ताकि वो हमारा जख्म जो हमारा सुराख हुआ हुआ है वो बिल्कुल जो है हमारा क्योर हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए। और इसके अलावा मशीन का तेल बहुत अच्छा है, नमक वाले पानी के साथ आपने वॉश करना है, आपका ना तो खराब होगा ना ही कुछ होगा और जल्दी से आपका जो है वो क्योर हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा जिसने भी करना है लेफ्ट साइड पे करे और आराम से सुकून से अपना जख्म भी ठीक करे और सोए भी। उम्मीद करती हूँ आपको ये डर वाली वीडियो जो है पसंद आई होगी, मोस्टली के जो है वो डर खत्म हो गए होंगे, सिर्फ इंसान का जो डर है उसके अंदर होता है और इंसान को मजबूत बनना चाहिए, ना कि वो ये कहे कि मुहाय मैं तो नहीं करवा सकती हूँ, मतलब खुद अपने आप को ट्रीट करना सीखें, जो लोग जिन लोगों को डर लगता है, ठीक है, बस हौसला अपने अंदर इतना ज्यादा पता करें कि आप लोग खुद जो है हर काम करें, किसी को दूसरे को ना बोलें कि मुझे ये कर दो ये कर दो ये कर दो। तो अगर किसी ने करना है फिर ऐसे कर लीजिएगा, बट जो इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बताई हैं ये आपने जरूर अमल करनी है और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, करती हूँ, वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।